तो चलिए दोस्तों, फाइनली फ्लिपकार्ट हमारे लिए एक और सेल लेके आ गया है, जहाँ पर फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल है वो लेके आ गया है यहाँ पर। और ऐसे में इस सेल में हमको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो ऑफर्स जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस स्मार्टफोन पर कितना ऑफर मिलने वाला है, किस कार्ड पर कितना ऑफर मिलने वाला है, और EMI मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर एक्सचेंज वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, सबके बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरुजी। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह से कमाल की टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है ना वो 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होने वाली है, और यहां पर पहले से ही इसका पोस्टर जारी कर दिया गया है। और ऐसे में ये सेल जो है ना रात 12 बजे से 25 दिसंबर को चालू हो जाएगी, यानी क्रिसमस सेल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्रिसमस जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसी के लिए ये सेल चालू की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर नो कॉस्ट EMI तो मिल ही जाएगा, जो हर बार मिलता है, और ग्रेट एक्सचेंज ऑफर तो मिल ही जाएंगे इसमें, ठीक है, और कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो पार्टनर ऑफर है वो मिल जाता है, वो भी ICICI बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे। यहाँ पर आपको 10% का एक्सटेंड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर फिर चाहे वो EMI ट्रांजेक्शन हो या फिर जो इंस्टेंट कैश ट्रांजेक्शन, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में हर कैटेगरी के स्मार्टफोन्स पर जो है ना डिस्काउंट आ रहा है, लेकिन इसमें देख लेते हैं कि क्रेडिट डेबिट कार्ड पर कितना डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम कार्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोबाइल कैटेगरी है, वहाँ पर मिनिमम कार्ड वैल्यू है वो होनी चाहिए 5000, जहाँ पर आपको फ्लैट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एक कार्ड पर मैक्सिमम 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे में जो दूसरी कैटेगरीज है उन पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी मिनिमम कार्ड वैल्यू जो है ना वो होनी चाहिए 5000, और वहाँ पर 1500 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और बाद बाकी की जो स्पेसिफिकेशन या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप पढ़ सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वहाँ से मैं आपके सवालों का जवाब तुरंत दूंगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन कितने प्राइस पे आएगा, और फाइनल प्राइस जो है ना कार्ड वार्ड से डिस्काउंट करने के बाद कितने का पड़ेगा वो भी बता देते हैं, और आपको किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा फ़ोन खरीदना है ये भी बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी फोन्स खरीदने में कंफ्यूजन हो रही है तो मेरे चैनल पर आपको कंपैरिजन वीडियो मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किन्हीं 2 स्मार्टफोन, 3 स्मार्टफोन, 4 स्मार्टफोन्स के बीच में कन्फ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें, तो मैं कंपैरिजन वीडियो लाता रहता हूं, मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जिन जिन स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो उनका कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर भी कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर सबसे धांसू डिस्काउंट किन किन स्मार्टफोन्स पर आने वाला है। तो यहाँ पर Realme 6 स्मार्टफोन जो है ना वो उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है, और यहाँ पर लिख के ये आ रहा है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टाइम यानी कि क्रेजिएस्ट ऑफर ऑफ द सेल, सबसे ब्लॉकबस्टर ऑफर है, जहां पर Realme 6 की स्टार्टिंग प्राइस है वो 12000 से स्टार्ट होने वाली है, 11999 से। अब ऐसे में अगर आप यहां पर कार्ड वगैरह ऐड करते हैं तो 1000 रुपये का डिस्काउंट यहां पर मिल ही जाएगा। तो 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ़ोन आपको 10999 का मिल जाएगा। अब 10000 की प्राइस पॉइंट में देख सकते हैं आप, यहां पर आपको एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा 90Hz की रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 64MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर 4300mAh की बैटरी, जहाँ पर 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो ऐसे में ये कंप्लीट पैकेज है इस फ़ोन का, जहाँ पर सारे फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। Realme 6i जो स्मार्टफोन है वो 11999 में आने वाला है, और ऐसे में कार्ड वगैरह मिलाते हैं तो ये फ़ोन भी मतलब 10999 रुपये का पड़ेगा, 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस फ़ोन में भी मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो मतलब गेमिंग के लिए ना एक दमदार चिपसेट है, कोई इशू आएगा ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 48MP का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा, 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 4300mAh की बैटरी मिल जाएगी, यानी कि Realme 6 और Realme 6i में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, दोनों ही फ़ोन में से किसी के साथ भी जा सकते हो। लेकिन मुझसे अगर पूछोगे कि इनमें से कौन सा खरीदें, क्योंकि एक ही प्राइस पॉइंट पे है, तो आप जो है ना Realme 6 के साथ चले जाइए। इसके अलावा Realme C15 है, 8999 का पड़ेगा, और इसमें से कुछ 800 रुपये का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा।
850 कुछ। तो ऐसे में इस फ़ोन के लिए भी आप जा सकते हो, अच्छा फ़ोन है Realme Narzo 20 Pro, मुझे सबसे अच्छा स्मार्टफोन लगता है क्योंकि यहाँ पर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और चिपसेट भी आपको G95 मिल जाता है। तो ये फ़ोन जो है ना काफ़ी अच्छा है। अगर आपका फ़ोन, आपका बजट 10,000 रुपये से ऊपर है, 12,000 रुपये के आसपास, तो यहाँ पर कार्ड वगैरह लगाएंगे तो 13,999 का फ़ोन है Realme Narzo 20 Pro, काफ़ी दमदार फ़ोन है। और ये फ़ोन जो है ना 12,999 का पड़ जाएगा अगर आपके पास कार्ड वगैरह है। तो हो सकता है कि आप जो है ना इस फ़ोन के लिए जाने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा फ़ोन है और चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग तो इसके हम सभी जानते हैं। तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। पोको X2 हमेशा जो है ना महंगा फ़ोन रहता है 16-17 हज़ार के आसपास, लेकिन इस सेल में ये फ़ोन जो है ना लोएस्ट प्राइस एवर यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर 14,999 में आपको मिल जाएगा। 14,999 में कार्ड वगैरह लगाएंगे 13,999 13,999 मिल जाएगा। और ऐसे में 64 MP कैमरा है, 120Hz की डिस्प्ले है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट जो है ना इस फ़ोन के साथ देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन काफ़ी स्टाइलिश भी है, काफ़ी अच्छा लुक वाइज है, काफ़ी पावरफुल है, कैमरा डिपार्टमेंट भी अच्छा है, बैटरी के मामले में अच्छा है। इस फ़ोन के लिए आप जा सकते हो। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मोटो G9 पावर, इस ये भी 11,999 रुपये का फ़ोन है और ये अगर 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो मोटो G9 पावर जो है ना वो आपको मिल जाएगा 10,999 रुपये का फ़ोन है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो G90T से पावरफुल तो नहीं है लेकिन नया लॉन्च हुआ है मोटो का। इसके साथ भी आप जा सकते हैं रियलमी 6 और मोटो G9 पावर में, आप दोनों ही फ़ोन में से किसके साथ जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ रियलमी 6 के साथ चले जाइए, उसमें चिपसेट आपको ज़्यादा दमदार मिल जाता है, प्राइस पॉइंट एक ही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो इंडियन फ़ोन्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर माइक्रोमैक्स N Note 1 और माइक्रोमैक्स N1 भी अपने प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी कीमत के साथ लॉन्च हुए थे। तो ऐसे में आप इन दोनों ही फोन्स में से किसी के भी साथ जा सकते हैं, इशू आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही फोन्स में काफ़ी अच्छी बैटरी, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ दिया गया है। तो आप दोनों ही मेड इन इंडिया फ़ोन के साथ जा सकते हैं। कुछ फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रियलमी X3 सुपर जूम जो है ना वो 23,000 का आपको मिलने वाला है सेल के दौरान, और मतलब स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट जो है ना वो देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो Realme X3 जो है ना उसके साथ जा सकते हैं, 21,000-22,000 रुपये का मिल जाएगा, सब कुछ कार्ड वगैरह लगाएंगे तो अच्छा फ़ोन है और सस्ता भी मिल रहा है। और यहाँ पर Realme X3 21,999 का मिलेगा, 20,999 रुपये कुछ आपको पड़ने वाला है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ध्यान रखिए किसी भी कार्ड पर आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक और फ़ोन है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है बिग बिलियन डेज में, जहाँ पर LG G8X Think जो है ना वो आपको यहाँ पर 25,990 रुपये का यहाँ पर दिखा रहा है, सेल के दौरान भी इतने का ही रहेगा, लेकिन अगर डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं, कार्ड वगैरह लगाते हैं तो ये फ़ोन जो है ना 24,990 का पड़ने वाला है। थोड़ा सा महंगा है स्लाइटली, क्योंकि बिग बिलियन डेज में 20,000 रुपये तक का बिक गया तो 5,000 रुपये आपको यहाँ पर ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो, थोड़ा बैटरी रिलेटेड इशू है इस फ़ोन में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।